फ्रेंड्स, टुडे इज 23rd of August और हम निकल रहे हैं अभी। मैं निकल रहा हूँ अभी अगर फिर कैलाश यात्रा के लिए। आई एम रेडी नाउ और निकलने लगा हूँ बस। ये हमारा बैग है जो लास्ट की तरह लग रहा है। ये बंजी रूप्स ने एक छोटा बैग रखा है, स्मॉल डे बैग। बाकी मैंने ये चीज़ें रखी हैं। अगर आप स्क्रीन छोड़ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन छोड़ ले सकते हैं। ओके, सो वी आर रेडी नाउ। आई एम रेडी और निकलने लगे। दैट्स आवर हाउस जिसे हम बाय बाय करने वाले हैं 4-5 दिनों के लिए। हियर इज आवर बाइक। सो पूरा पैक है, आगे बारिश ना इसलिए कवर्ड है। सो ये बंजार वैली हम एंटर कर चुके हैं। GoPro फर्स्ट टाइम लगाया, पता नहीं सेटिंग कैसी होगी, आगे जाके देखते हैं वीडियो को। एंड ऑट से एक जो ऑट टनल है, पुरानी वाली सबसे टनल है, अगर मनाली आते हैं वहाँ से, अगर आप राइट लेते हैं तो चंडीगढ़ जाते हैं, लेफ्ट लेंगे तो ये GP का रास्ता निकलेगा। देन यहाँ इसी रोड पे GP तीर्थन होकर ये आगे निकलता है, रामपुर पे हाईवे पे कनेक्ट होगा। वहाँ से फिर हम निकलेंगे डाउन टाउन के लिए, जहाँ पर आप स्टे करेंगे। लेट्स सी कब तक पहुँच। सो स्लशी रोड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। बीच बीच में ये लैंडस्लाइड हुई थी पीछे, जो अभी फ्लड्स आए थे मनाली में, इतना बहुत नुकसान हुआ था। मोस्ट ऑफ द हाईवे ऑलरेडी जा चुके हैं, सो थैंकफुली रास्ते खुल गए थे। रोड्स की हालत तो बहुत ही बुरी है। अगर बीच में पॉट होल्स एंड खड्डे देखेंगे आप, इतने डीप लगी, ऐसा लग रहा है कि टायर ही ना चल जाए। आज हम शॉन्ग टोंग तो जाएंगे, वीडियो देखी थी कुछ, वहाँ पर स्टे का है, वहाँ पर लंगर लगा हुआ है। पिछली बार श्रीखंड गया था तो वहाँ पर भी फर्स्ट डे नीचे स्टे फ्री था। ट्राई करेंगे नीचे भी कुछ ऐसा मिल जाए, एल्स होम स्टे के भी ऑप्शन है वहाँ पर। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पर, उसके बाद अकॉर्डिंगली कल हम निकलेंगे ट्रैक के लिए। मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन वहीं पर करवाना पड़ेगा, थोड़ा लेट हो जाएंगे। यहाँ पर मनाली में हमने ट्राई किया था पीछे, पर वहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, नॉर्मल सा फॉर्म था। यहाँ तो रोड ही आती नीचे खींच सकती है, देखिए मुश्किल हो रहा है बीच बीच में। यहाँ पर बीच बीच में पत्थर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, बैलेंस थोड़ा बनाना पड़ता है। व्यू अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। हाँ, रामपुर 115, जलौरी 10 किलोमीटर। सो GP पहुँच चुके हम। आस पास जितने देखेंगे अभी एक कैफ़े स्टार्ट है, GP विलेज स्टार्ट हो गया। कैफे से कैफे हैं यहाँ पर, होम से कैफे, अच्छी जगह है बहुत। GP सोजा, GP साथ ही बढ़ते हैं अभी। हाँ ये देखो, रोड बीच में से ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है फटी हुई है। और कुल्लू में भी सेम ही हुआ था, कुल्लू में तो मेन हाईवे ही चला गया, 4-lane हाईवे पूरा ख़त्म हो गया। अब DRO लगी हुई है पुराने रोड, यहाँ पर भी वो है नुकसान। तो ये शोजा वैली हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद जलौरी पास हाईवे टर्न है और सीधी इंक्लिनेशन है टर्न बाय टर्न, और फर्स्ट या सेकेंड गियर में चल रही है बस, इससे थर्ड पर जा ही नहीं पा रहा। दिस इज शोजा वैली, टोटली अनटच्ड है ये शिमला और मनाली की तरह नहीं है कि यहाँ पर जैम या रश लगा हुआ है। जितना कम टूरिस्ट हैं या रश लगे तो उतनी अनटच रही है, और थोड़ी साफ रही है। ब्यूटीफुल होमस्टे है यहाँ पर, व्यू और होमस्टे बहुत बढ़िया है यहाँ पर। कैफेज आपको सिटिंग के लिए देखेंगे लेफ्ट साइड से, बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पर बैठने।
जी बी आ रहे हैं सोजा बेटर प्लेस रहेगी जी बी से स्टे करने के लिए। यहाँ पर पीछे आप देखो एक्सटीरियर में पेंटिंग्स ग्राफिटी वर्क बहुत अच्छा किया है, यहाँ पर नेचुरल लुक है, कार्टूनी हाउसेज भी है मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो होम स्टे के लिए। ट्राई करना चाहिए कि अगर होटल से अच्छा कि होम स्टे या कार्टूनी हाउसेज में आप स्टे करें। फिर भी जस्ट अक्रॉस जलोरी जोत यहीं से जलोरी पास का ट्रैक भी होता है सरौलसर लेक, 5 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर को, बहुत ही अच्छा ट्रैक है। सरौलसर लेक आती है, टेंपल है पकौड़ा टेंपल जैसे प्राशर लेक है। तो जैसे लैंडस्लाइड हुई थी पीछे, अभी यहाँ पर रास्ते आराम आराम से खुल रहे हैं। जैसे भी ऑपरेटर अभी लंच करने गए हुए तो थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कितनी देर और लगी, ऑलरेडी डिले हो गया, लेट ही पहुँचे यहाँ लगता है। रिकॉर्ड की उसे 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है शॉटो एंड कुछ किलोमीटर के बाद यहीं से निर्मल के लिए रास्ता कटेगा, निर्मल से जाओ जहाँ से श्रीखंड का ट्रैक स्टार्ट होता है। श्रीखंड की पीक शायद दिखती हुई यहाँ से अगर क्लियर डे हो तो, एंड अगर रिकॉन्ग की आप पहुँचोगे तो वहाँ से भी किन्नर क्लास का पीक डायरेक्टली दिखता है। तो ये रामपुर सिटी पहुंच चुके हैं, और अगर ये राइट पर देखेंगे आप तो जो फोर्ट है रामपुर फोर्ट, उसकी वॉल स्टार्ट हो गई है। फिर से खराब रोड स्टार्ट, थोड़ा सा ठीक मिलेगा हाईवे। इस पर तो यात्रा भी जो डिले हो गई है, नॉर्मली जो होती है वो 1st से 15th अगस्त स्टार्ट होती है, बट वही जो इस पर हैवी रेन फॉल और फ्लड्स जो आई थी रोड्स लैंड स्लाइड हुई उसकी वजह से 15th to 30th अगस्त की लिए तभी थोड़ा लेट निकले हैं सारे। एंड होप्स आगे बारिश ना मिले ट्रैक करते हुए, स्लश की वजह से थोड़ी बाइक स्लिप होती है तो थोड़ा सेफ से चलाना पड़ता है। दिस इज किन्नौर, तो यहाँ से किन्नौर की बाउंड्री स्टार्ट है। मेरा भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम है किन्नौर में, किन्नौर आने का लास्ट जो मैं इससे पीछे गया था वो 1 मिनट तक ही
महादेव ले जाता है। बस इसके बाद थोड़ा आगे जाके किन्नौर का जो फेमस क्लिफ हैंगर है वो आ जाए। सो इफ़ यू नो अगर किन्नौर की जो रोड्स हैं वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड में आती हैं। वो एक शो आता था पहले डिस्कवरी पे जिसमें वो ट्रक्स लाते थे फोन में वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स पे, तो उसमें किन्नौर का ये पार्ट भी आता था। मुझे लगा यही क्लिफ हैंगर है, बट ये अगर आप पीछे से व्यू आ रहे हो आगे एक सीरीज ऑफ क्लिफ हैंगर है। ये जो आप आगे देख रहे हैं ये मेन वाला है। ये तीन पूरी रोड लेकर आऊँगी वन एंड हाफ टू किलोमीटर क्लिफ हैंगर से ही कवर्ड। अभी अब मैं टांगलिंग विलेज में और ये यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। और सामने होम स्टेज है। ओके सो अभी मैं हूँ टांगलिंग विलेज में। अराउंड 8 o'clock टांगलिंग विलेज पहुँच गया था मैं। एंड अभी यहाँ पर जो जिन्होंने सेवा लगाई है जहाँ पर बेस कैंप के हेड हैं उनके यहाँ पर रुके हूँ स्टे में, होम स्टे में। वो नीचे जो दिख रहा है आपको वो लंगर लगा हुआ है वहाँ पर, वो लंगर है। वहाँ पर भी कैंप लगे हुए हैं बट अगर किसी को ऊपर रुकना है तो ऊपर आके रुक सकता है। सो कल सुबह 9 बजे मेडिकल होगा, जो डॉक्टर है वो 9 बजे आएंगे। तो पहले मेडिकल करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाया था बट बोल रहे कि शायद ऑफलाइन फिर से करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, टेंट मैं लेके आया था अपना ऊपर, बट बोल रहे हैं कि टेंट नहीं लगा सकते, इस बार फाइन लगा रहे हैं। बजट इतना मैं लेके नहीं आया था बट यहाँ पर एक भाई मिले मोंटी भाई, उन्होंने खुद अपने एंड से कैश दे दिया और उन्होंने कहा कि जब भी नीचे आओगे तो आके दे देना। बहुत ही नाइस उन्होंने। बाकी सुबह मिलते हैं, सुबह अपडेट करते हैं।